और मौसम ना यहाँ कल से मतलब लगातार बारिश हो रही है और ऊपर ऊपर पहाड़ियों में पूरी बर्फ पड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग कर दो। तो भाई यहाँ पे मेरे पापा जी ने सुबह सुबह लकड़ियाँ फाड़ना शुरू कर दिया, तो भाई बारिश की वजह से ये देखो छत भी टपकने लग जाती है गौशाला की। हम लोग जा रहे हैं शादी में, तो शादी है हमारे पड़ोस ब्रह्मपुरी में ऊपर। तो चलिए जी करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसौर उत्तराखंड चमोली के सोलडूंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का ये हमारे इंसोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 10 बजे से और मौसम ना यहाँ कल से मतलब लगातार बारिश हो रही है और ऊपर ऊपर पहाड़ियों में पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है। ठंड इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। और यहाँ पे मेरी माँ ने सुबह सुबह ये देखो भाई गाय भैंस बाहर बांध दिए हैं। वैसे तो ठंडा बहुत ज़्यादा है लेकिन जो अंदर गौशाले में गोबर होता है ना तो उसको फेंकने के लिए इनको बाहर बांधना ज़रूरी है। उसके बाद माँ गोबर निकालने के बाद फिर से अंदर गौशाले में बांध देगी। तो ये है यहाँ का काम धाम। और सुबह सुबह घास भी संभालना पड़ता है भाई। घास भी स्टोर करके हमने अंदर नहीं रखा हुआ था, सारे खुम्भे पे हुए है ऊपर, तो वो भी पूरा भीग गया। तो इस टाइम पर ना बारिश के भीगने की वजह से ना गाय भैंस भी अच्छे से नहीं खाते उस वाली घास, भीगी वाली घास को। और यहाँ पे आ रही भाई ये छोटी सी गुन्नू किरण की, तो ये ऊपर से ना कब से आवाज़ लगा रही थी मेरे को। अरे भाई गुन्नू आ गई, आ जा गुन्नू, आ जा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर दो। तो ये देखो भाई गुन्नू, हाय गुन्नू। तो बच्चों को ना ठंड नहीं होता भाई। ये सुबह सुबह ये देखो पानी में खेल रही थी ये लड़की। यहाँ पे किरण भी ये सूखी घास लेके जा रही है। तो जैसे ही बारिश थोड़ी सी बंद हुई तो सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि बाद में फिर से बारिश हो सकती है, इसलिए अभी थोड़ा बारिश बंद हो रखी है, तो इसलिए फटाफट सब लोग अपना अपना काम निपटा रहे हैं। तो ये देखो भाई यहाँ पे मेरे पापा जी ने लकड़ियाँ फाड़ना शुरू कर दिया। तो गौशाले में आज तीनों गौशाले में यहाँ पे आग जलेगी, इतना ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पे अब ये छोटी सी गुन्नू चली गई सुनीता दीदी के पास, तो इसको एक जगह पे चैन नहीं आता। तो यहाँ सामने ये देखो भाई आसपास पहाड़ियों में खूब सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो भाई बारिश की वजह से ये देखो छत भी टपकने लग जाती है गौशाले की। तो मेरे पापा जी वहाँ पे ना पन्नी डाल रहे हैं गौशाले के ऊपर से। तो अभी यहाँ पे दोबारा हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो बारिश थोड़ा देर बंद हो रही है फिर दोबारा आ रही है, तो काफ़ी दिक्कत ये बारिश से हो रही है यहाँ पे। तो ये किरण ना अभी अभी घास लेके जा रही थी, अभी इसने गोबर निकालना शुरू कर दिया। अब मैं छत से नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे ना दोबारा बारिश शुरू हो गई। और यहाँ पे ना ये देखो पोलम के फूल काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, पूरे खिल गए हैं भाई। तो मैं ना अभी यहाँ पे सिलाई करने के लिए आ चुकी हूँ और कटिंग मैंने मतलब करी हुई है, आधा सिला हुआ है, ये कल का सूट है। तो पहले इसको सिलती हूँ पूरा, तो उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। तो ये रही भाई सूट, तो ये हो चुकी है पूरी। तो एक सूट ना मैंने जैसे तैसे तैयार कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, हाथ भी बहुत ठंडे हो गए। तो अब मैं जा रही हूँ भाई शादी में ऊपर ब्रह्मपुरी में। तो मैं अब शादी में जाने के लिए होती हूँ तैयार, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। बारिश की वजह से ना छाता भी लेके जा रहे हैं, अभी तो बारिश हल्की हल्की बंद हो रखी है, तो क्या पता बारिश आ जाए। तो हम लोग आज से आ रहे हैं भाई शादी में, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ मैं ऊपर की ओर। यहाँ पे भाई दादी जी सुनीता दीदी और नूतन, ये दो तीनों भी बारात में जा रहे हैं और कुछ लोग इधर से आ रहे हैं। को चाची आओ। यहाँ पे ना अभी हल्की हल्की बारिश दोबारा से शुरू हो चुकी है और यहाँ से ऊपर पड़ता है ब्रह्मपुरी, ये ऊपर यहाँ पे हो रही शादी। तो बारात शायद वहाँ पे आ चुकी है क्योंकि बैंड बाजे की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। तो अभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और बारिश ये देखो दोबारा शुरू हो गई। जब से यहाँ शादी शुरू हुई तब से लगातार बारिश ही हो रही है। तो ये कुछ इस तरह की देखो भाई यहाँ पे सजावट हो रखी है और इस तरफ को खाना बन रहा है।
तो ये इलाका पूरा ब्रह्मपुरी में आता है और यहाँ पे आप लोगों को बैंड बाजे की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ बारात आ चुकी है। तो ये है भाई हमारे पंडित लोगों का घर। तो पहुँच चुके हैं हम शादी वाले घर में। तो यहाँ पे ये देखो बारात आ चुकी है और शादी की कुछ रस्में हो रही है। तो यहाँ से मतलब दूल्हा गया था दुल्हन को लेने, तो बारात आ चुकी है और इस तरफ को हो रहा है भाई यहाँ बैंड बाजे में शानदार डांस गांव वालों का। तो ये सारे हैं भाई हमारे गाँव के ब्रह्मपुरी वाले, ब्रह्मपुर की पूरी की जो है कि भाभियाँ और चाचियाँ लोग। आगे वाले खा रहे हैं ये देखो। ये देखो भी बारिश के मौसम में और बारात में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। आ जाइए गर्मा गर्म दाल पूरी हलवा पूरी दाल पूरी हलवा पूरी। तो चलिए जी खाना खाने के बाद हम लोग दोबारा चौक में जा रहे हैं, यहाँ डीजे लगी। तो जैसे ही हम खाना खा के आए तो यहाँ पे देखो भाई दुल्हन का हो रहा है यहाँ पे शानदार डांस। हम शादी अटेंड करके सारे लोग ये देखो हमारे गांव के भी साथ में जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे शादी का कार्यक्रम रहा आज का।